नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं आईबीएन भारत। यूपी के कानपुर में रात करीब 1 बजे दबिश देने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इसमें क्षेत्राधिकारी और 3 सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस चौबेपुर थाना इलाके के एक गाँव में हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन उसके गैंग ने पुलिस पर घात लगाकर छत से हमला कर दिया और विकास दुबे फरार हो गया। उधर आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि घटना के बाद एनकाउंटर में विकास दुबे के 2 साथियों को मार गिराया गया है। जैसा आप सभी अवगत हैं, कल रात्रि में पुलिस का दबिश देने यहां पर आई थी, तो अपराधियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। आज रात से ही सभी अधिकारी लगातार कॉम्बिंग कर रहे थे, जो भी आसपास के एरियाज हैं, जंगल हैं, उनकी लगातार हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। उसी कॉम्बिंग के दौरान ये सूचना मिली थी कि जंगल में कुछ अपराधी देखे गए हैं जो वहाँ पर छिपे हुए हैं। इस सूचना पर हमारी कई टीमें मिलकर के वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर अपराधियों ने पुलिस के ऊपर गोलीबारी करी। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी जो है इसमें मारे गए हैं, 2 पुलिसकर्मी हमारे इंजर्ड हुए हैं, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। साथ ही अपराधियों के पास से असलहे भी बरामद हुए हैं, जिसमें से एक असलहा जो पुलिस का लूटा हुआ असलहा है वो भी अपराधी के पास से मिला है। इनके 3 और साथी थे, वो मौके से भागने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनके लिए लगातार हमारी पेट्रोलिंग जारी है और जो कानपुर देहात जनपद है, सिवली एरिया है, वहाँ पर भी टीमें लगाई गई हैं। उस क्षेत्र में उनके भागे जाने की संभावना है। जो मारे गए उसमें क्या विकास जी है, विकास जो मुख्य आरोपी है? देखिए, अब इनकी पहचान गांव के लोगों के द्वारा कराई जाएगी कि कौन अपराधी है। डीजीपी HC अवस्थी ने बताया कि विकास दुबे के खिलाफ कानपुर के राहुल तिवारी ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ने के लिए बिकरू गांव गई थी। पुलिस को रोकने के लिए बदमाशों ने पहले से ही JCB वगैरह से रास्ता रोक रखा था और अचानक छत से फायरिंग शुरू कर दी गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने STF की टीम की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने यूपी के सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे, इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है, इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर JCB लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी, और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग, शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पर गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल CO साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फायदा उठा करके। और हमारे IG, ADG और यहाँ से हमने ADG लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की, तो तुरंत पहुँच गई थी, अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें STF को भी लगाया गया है और IG STF वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो STF यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहद ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नब्बे के दशक में विकास दुबे बिठूर के घिमऊ में एक छोटा मोटा बदमाश हुआ करता था, जिसे पुलिस अक्सर मारपीट के मामले में पकड़ कर ले जाती थी, लेकिन उसे छुड़वाने के लिए स्थानीय रसूखदार नेताओं तक के फोन आने लगते। सत्ता संरक्षण में यह नाम अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता गया और इसी दौरान उसके संबंध सपा, बसपा और भाजपा के बड़े नेताओं से बन गए। स्थानीय नेताओं ने जातीय राजनीति में इसका इस्तेमाल किया और यह सत्ता के सहारे अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। विकास दुबे के खिलाफ 60 मुकदमे दर्ज हैं,
2001 में राजनाथ सिंह सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर इसने हत्या कर दी थी। संतोष शुक्ला हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था और 2017 में इसे इस मामले में लखनऊ से गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन इस मामले में इसका नाम पुलिस साबित नहीं कर पाई, इसलिए पुलिस से लेकर कानून तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। विकास दुबे किसी फिल्मी खलनायक से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि थाने में घुसकर राज्य मंत्री की हत्या का आरोप लगने के बावजूद भी उसका कुछ नहीं हुआ था। बताया यह भी जाता है कि इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी किसी पुलिस वाले ने विकास के खिलाफ गवाही नहीं दी थी, जिसके बाद कोई साक्ष्य कोर्ट में नहीं दिया जा सका और उसे छोड़ दिया गया। साल 2000 में कानपुर के सिवली थाना क्षेत्र स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रधानाध्यापक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में भी विकास दुबे का नाम आया था। वर्ष 2000 में रामबाबू यादव की हत्या के मामले में जेल के अंदर रहकर साजिश रचने का भी इस पर आरोप है। इतना ही नहीं, वर्ष 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास आरोपी है। साल 2018 में विकास दुबे ने अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला करवाया था, जिसके बाद अनुराग की पत्नी ने विकास समेत चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। हिस्ट्री सीटर विकास दुबे की लगभग सभी राजनीतिक दलों में पकड़ रही है। 2002 में BSP की मायावती सरकार के दौरान उसकी टूटी बोलती थी। उसके ऊपर जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का भी आरोप लगा था। उसने गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्तियां बनाई। भिटूर में ही उसके स्कूल और कॉलेज भी हैं। यह एक लॉ कॉलेज का भी मालिक है। विकास दुबे जेल में रहने के दौरान ही चुनाव लड़ा और चिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव जीता भी था। बताया जा रहा है कि BSP के कार्यकाल में उसकी BSP में बड़ी पैठ थी। जेल से ही वह हत्याएं समेत कई वारदातों को अंजाम दिलवा देता था। घटना से 24 घंटे पहले राहुल तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने विकास दुबे के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा लिखवाया था। विकास की गिरफ्तारी के लिए DSP के नेतृत्व में 3 टीम का गठन किया गया था। 2 जुलाई की रात 12:30 से 1 बजे के बीच बिल्हौर CO देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में 3 थानों की पुलिस गांव पहुंची थी। रास्ते में JCB लगाकर पुलिस का रास्ता रोक दिया गया था। पुलिस घर के पास पहुंची, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि विकास दुबे के साथ कितने लोग हैं और कहां छिपे हैं। पुलिस टीम को चारों तरफ से घेर लिया गया था। बदमाशों और पुलिस के बीच फायरिंग शुरू हो गई। करीब 1 घंटे तक पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग होती रही। अंधेरे का फायदा उठाते हुए विकास दुबे अपने साथियों के साथ भाग गया। भोर में 3 बजे के आसपास घायल पुलिसकर्मियों को लेकर पुलिस रेजेंसी हॉस्पिटल पहुंची, जिसमें CO समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके थे। 4 बजे के करीब 24 थानों की फोर्स PSC फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। DGP हितेश चंद्रवास्ती खुद मौके पर पहुंचे।